हाय, दिस इज राघव ठाकुर और आप लोग देख रहे हैं टेलीफेस। और देखते रहिए हमारा शो सुहागन कलर्स पे 6:30 बजे। अब हम लोग तो जा रहे हैं, क्रिश और बिंदिया की कहानी अब होती है ख़त्म और नई कहानी स्वरा और ध्वनि की कहानी बहुत जल्द शुरू होने वाली है 18 तारीख से। तो आप लोग बने रहिए कलर्स पे, 6:30 बजे टीवी ऑन होना ही चाहिए, ये क्रिश कह रहा है। Subscribe and press the bell icon and never miss any updates from Teleface. Raghav, welcome to Teleface. Thank you. सबसे पहले to all the best आपके आने वाली जर्नी को। अब आपका सुहागन सीरियल में सफर कैसा रहा? बता नहीं सकता, जब सफर की बात करते हैं तो इमोशनल हो जाता हूँ। काम की बात करें तो बहुत खुश हो जाता हूँ, लेकिन जो सफ़र की बात करते हैं तो इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि ये जो सफ़र है ये कहीं पे आगे ख़त्म हो रहा है। और क्या होता है मूवीज़ में और सीरीज़ में देखने वाले लोगों को, जो मेरी ऑडियंस मुझे देख रही होगी तो वो शायद सोच रही होगी कि ऐसा क्यों इमोशनल क्यों है या ऐसा क्यों है। मूवीज़ में सीरीज़ में ये फ़र्क होता है कि आप लोगों को पता होता है कि स्टार्ट कहाँ से होगा एंड कहाँ से होगा, तो माइंड प्रिपेयर रहता है। लेकिन ये जो शो हमारा होता है ना, ये हमारा डेली टू डेली, मतलब डेली सोप इसको कहते हैं इसीलिए क्योंकि ये हम डेली कुछ ना कुछ इसमें कर रहे हैं। एंड नहीं पता किसी को, एंड मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये सब आप लोगों के प्यार पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस शो को कितना प्यार दे रहे हो। वो शो उतना ही लंबा चलता रहेगा। और जैसे कि बहुत सारे शोज हैं जो आज 10 सालों से चलते आ रहे हैं, वो सब आपके प्यार की वजह से है। तो हाँ, ये बात सच है कि मुझे नहीं करना इतना लंबा काम जो कि है, क्योंकि मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं आया हूँ, और मुंबई में मैं नाम कमाने आया हूँ, मैं अपने आप को साबित करने के लिए आया हूँ। तो मुझे बहुत सारे चैलेंजेस चाहिए, बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स चाहिए ताकि मैं अपने आप को निखार पाऊँ, अपने आप को कर पाऊँ और आप लोगों को अलग अलग तरह से एंटरटेन कर पाऊँ। आप लोगों के लिए बोरिंग कभी ना बनूँ कि हाँ राघव ठाकुर, अरे यार ऐसा नहीं। आप लोगों के लिए एक नई नई चीज़ें लेकर के आऊँ, आप देखो कि अरे अरे राघव ये, अरे अरे राघव यहाँ भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जो रिएक्शन हो वो इस टाइप का हो। तो ओके, क्या बातें आप मिस करने वाले हो इस सुहागन सेट से? बहुत चीज़ें मिस करने वाला हूँ मैं। अगर मैं कहूँ तो मेरे जहाँ पे हम शूट करते हैं उसकी 4 दीवारी मिस करने वाला हूँ, मेरा क्रिश रूम मिस करने वाला हूँ जहाँ हम शूट करते थे। तो एक अलग सा कमरा था, अलग सा रूम था, अलग सी वाइब थी। वो सोफ़ा मिस करने वाला हूँ जहाँ हम सीन से निकलते ही फ्री होकर के फ़ोन लेकर के ऐसे घुस के बैठ जाते थे और आराम से फ़ोन चला रहे होते थे, और ऐसा मन करता था कि कोई ना उठाए यार इस सोफ़े से, बैठे रहे यार, क्यों उठाने आ जाते हैं। जब असिस्टेंट बुलाने के लिए आते थे तो हम कहते थे अरे आ रहे हैं यार, 5 मिनट में आ रहे हैं यार प्लीज़, अरे यार बैठने नहीं देते हो यार। जब सेटिंग डिपार्टमेंट वाले सोफ़ा खींच देते तो कहते अरे यार रहने दो ना, बैठने दो ना। तो ये सारी चीज़ें मिस करने वाला हूँ, जो जो यहाँ के लोग थे जिनसे बहुत सारा प्यार था, नोक झोंक थी, कभी वो मुझे कुछ बोलते थे, कभी मैं उनको कुछ बोलता था, कभी वो नाराज़ कभी मैं नाराज़ कभी। लेकिन ये जो पूरा परिवार है ये मिस करने वाला हूँ। 100-200 लोगों का परिवार किसको मिलता है एक साथ आज के ज़माने में? 5 लोग 6 लोग 7 लोग 8 लोग 10 लोग 20 लोग रहते होंगे आपके परिवार में, किसी के परिवार में 100-200 लोग रहते हैं क्या? लेकिन हमारे परिवार में यहाँ पे 100-200 लोग रहते हैं। ओके, कौन वो इंसान है इस शो या सेट का जो आपको जिंदगी भर के लिए दोस्त बन गया है? ज़िंदगी भर के लिए दोस्त बन गया है, ऐसे सारे ही मेरे दोस्त बन गए हैं, सब बहुत इमोशनल है। अम्मा जो है वो इमोशनल, बलदेव जी इमोशनल, इंदु मैम जो माँ का कैरेक्टर करती है वो इमोशनल, पायल बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, साक्षी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी जो इस शो से चले गए, विक्रम बहुत अच्छा दोस्त है, पंकज बहुत अच्छा दोस्त है, निधि बहुत अच्छी, सारे कैरेक्टर मेरा, किसी के साथ भी कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई मन मुटाव है। और अगर किसी को मेरी बात, अगर इस 1-1.5 साल की जर्नी में अगर किसी को मेरी बात अगर बुरी लगी होगी तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो अनजाने में या जानबूझकर मैंने कभी ऐसा कुछ आपका दिल दुखाया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ओके, किस तरह से आपकी कहानी का अंत होने वाला है, मतलब सुहागन सीरियल का जो आपका जो एंड है? मुझे लगता है कि जो एंड है वो बहुत अच्छा है, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट है वो बहुत अच्छा एंड है। मतलब मुझे लगता है कि जब मेकर्स ने इतना सोच समझ करके ये जो एंड डिसाइड किया है
वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। मतलब कि एक नई शुरुआत मिल रही है कि जहाँ से आपको वो पुरानी चीज़ें नहीं देखने को मिली। अगर बाई चांस अगर घुमा करके अगर हम लेते हैं कि अगर मेकर्स अगर हमें रखते भी कि चलो ठीक है क्रिश को रख लेते हैं विंध्या को, तो कहीं ना कहीं आपको वो पीछे पिछली हमारी जुड़ी हुई ज़िंदगी से कोई ना कोई आपको कनेक्शन मिलता और वो फिर से वही सेम प्रॉब्लम रिपीटेटेड होता, तो फिर आप लोगों को लगता है कि यार यार फिर वही चीज़ है ना। तो आप लोगों को वहाँ एक वो जो पड़ाव था वो ख़त्म हो गया, वो लोग मिल गए, उनकी लाइफ में है सब लोग हैप्पी था, लेकिन सब कुछ हैप्पी था लेकिन एंड हो गया, बहुत ही दुख के साथ एंड हुआ कि उन दोनों की मौत हो गई। लेकिन अब जो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई है वहाँ आपको एक नए चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, नया ड्रामा देखने को मिलेगा, आप लोगों को फिर से उतना ही मज़ा आएगा। ओके क्या यादें बटर के लेके जा रहे हैं यहाँ से? बताया तो मैंने धीरे से कि ये सारी यादें हैं, मतलब यहाँ की आबो हवा, यहाँ की वाइब, ये सब मेरी यादें हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बटोर करके जाने वाला हूँ भाई, मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ और फिर मैं शायद इस सेट पे या किसी और सेट पे या किसी न किसी सेट पे आपको बहुत ही जल्द मैं दिखूँगा किसी नए कैरेक्टर नए किरदार के साथ। Okay. और ये जो यादें हैं ये हमेशा दिल में रहेंगी। आगे का क्या प्लान है, वैकेशन के लिए जाओगे या नया प्रोजेक्ट का काम? सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली से मिल करके आऊँगा और प्रोजेक्ट मुझे जो भी मुझे देख करके जो भी मुझे देना चाहता हो वो मुझे फ़ोन करे मुझे प्रोजेक्ट दे दे, मैं काम करना चाहता हूँ, दिन रात काम करना चाहता हूँ। तो मेरा कोई वैकेशन मोड ऑन नहीं है, कोई कुछ भी ऑन नहीं है, मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ काम के लिए और मैं खुले दिल से अपने आने वाले काम का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मुझे काम आए, वैकेशन पे मैं जो छुट्टियाँ देंगे ना मुझे, है ना, उसमें मैं चला जाया करूँगा, मुझे नहीं चाहिए वैकेशन। राघव की इस जर्नी के लिए, जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जैसे गांव से एक राघव छोटा एक मतलब मेरी जो जर्नी रही है वो बिल्कुल भी फिल्म लाइन से नहीं रही है, ये फिल्म लाइन से या इस लाइन से नहीं रही। मैं सच बताऊँ तो शायद मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है इसमें, कोई भी नहीं है, शायद क्या कोई भी नहीं, मैं गारंटेड हूँ कि कोई भी नहीं है। इवन मेरे कोई ऐसे भी रिलेटिव नहीं है जो जिनको वीडियो बनाने का शौक़ हो या कोई यूट्यूबर हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। ये तो एक मेरे मन की इच्छा थी कि मुझे ये चीज़ करना है और ऊपर वाले का आशीर्वाद था और जिन लोगों ने मुझे काम दिया उनका आशीर्वाद था। तो कहते हैं ना कि दो लोग हमेशा इज्जत के लायक होते हैं और उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, एक तो जो आपको ज़िंदगी देते हैं और दूसरा जो आपकी ज़िंदगी बनाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बनाने में मेरी मदद की है। ज़िंदगी देने वाले तो माँ बाप हैं लेकिन ज़िंदगी जो बना रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं, जिसमें एक बहुत ही अच्छा नाम है जो पवन सर है, जिन्होंने ज़िंदगी बनाई, उन्होंने काम दिया, बहुत कुछ सिखाया, तो वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। ओके अभी आपके फैमिली से कोई मतलब ये इंडस्ट्री से नहीं है, तो मॉम डैड जब टीवी पे आपको देखते हैं तो उनका रिएक्शन क्या? बहुत खुश होते हैं। मतलब मेरे फादर का ये रहता है कि जब भी वो कहीं जाते हैं तो उनको कोई बोलता है कि यार ये आपका बेटा आ रहे हो, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे पिताजी ऐसे हैं कि बहुत ही सभ्य आदमी हैं, नहीं ज़्यादा किसी से बातचीत में या किसी इसमें नहीं रहते हैं, वो अपना घर से ऑफिस ऑफिस से घर ऐसा उनका रहता है, तो ज़्यादा उनकी जान पहचान बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो इन चीज़ों में रहते ही नहीं है कि इधर बात करना उधर बात करना इनके साथ ऐसा नहीं करना। लेकिन उसके बावजूद जब लोग उनको कहते हैं ना कि अरे वो आपका बेटा ये वो, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है मेरा बेटा इन सब चीज़ों में ना रहते हुए भी इतनी जगह पर मौजूद है। ओके हमें तो लगता है मॉम डैड से ज़्यादा सिस्टर आपकी बहुत खुश रहती है। मेरी सिस्टर बहुत खुश रहती है मुझसे, मतलब एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, वो पूछती रहती है भाई ये क्या अब क्या होने वाला है, हमेशा स्पॉइलर मांगती रहती है मुझसे कि अब क्या होने वाला है, ताकि उसको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और वो आगे बोल दे मम्मी ऐसा होने वाला है, अभी ऐसा होगा। ओके लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे इतने साल की जर्नी के लिए, इतना मतलब आपको इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए कहना यही है कि ये सब आप ही के बदौलत है, मतलब इसमें मेहनत मेरी है लेकिन सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, मैंने तो सिर्फ एक्टिंग किया है लेकिन उस एक्टिंग के पीछे की जो प्रिपरेशन है वो बहुत सारे लोगों की है, बहुत सारे लोग लाइट मैन स्पॉट मैन
कैमरामैन, डायरेक्शन डिपार्टमेंट, फ्लोर डिपार्टमेंट, तो इन सब की मेहनत है। जब ये सब लोग एक एनवायरनमेंट तैयार करके देते हैं, एक सेट तैयार करके देते हैं, एक माहौल तैयार करके देते हैं, तो हम अपने आप को उस जगह पे परफॉर्म करते हैं और आप लोग हमें देखते हो, आप लोग हमें प्यार करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेलीफेज।